मुंबई वर्सेस दिल्ली के 20वें आईपीएल मैच में भाई फाइनली मुंबई को अपनी पहली जीत मिली गई, जिसमें मुंबई ने बेचारी दिल्ली को क्या कूटा है यार। शुरुआत करी पावर प्ले में रोहित भाई और ईशान किशन ने, उसके बाद टीम डेविड नल्ला बोला और भाई रोमारियो शेफर्ड ने तो आखिरी के ओवर में कायरन पोलार्ड का रूप धारण कर लिया, बेचारे नौरिया को 32 रन ठोक दिए। लेकिन भाई जितने कल इस नौरिया ने रन पिटाया है ना, वो तो पंत भाई ने पॉइंटिंग जी के हाथ रोक लिए, वरना तो पॉइंटिंग जी घने गुस्से में बैठे थे। और जैसे कि सूर्या दादा को वापस लाने के लिए हार्दिक ने सूर्या दादा के आगे चाल चली थी कि देख सूर्या देख, रोहित को मुंबई कप्तान बना दिया, अब तो आ जा यार टीम में। तो भाई सूर्या दादा टीम में वापस तो आ गए, मगर जैसे ही उन्हें पता चला कि ये झूठ तो मुझे वापस लाने के लिए बोला गया, उन्होंने साफ कह दिया कि अजी मेरा कद्दू बना है पांडे की कप्तानी में रन। खैर मजाक साइड में, सूर्या दादा ने भाई मैच के अंदर सपोर्ट पूरा किया पांड्या को, और इंजरी के बाद उनका ये पहला मैच था तो अभी फिलहाल उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। बाकी अब मैच पे तो ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी और आते ही रोहित भाई और ईशान किशन ने बढ़िया चौके छक्के लगाए और दोनों ने मिलकर पावर प्ले में 75 रन ठोक दिए। मगर मिडल ओवर्स में दिल्ली ने अच्छी वापसी करी, सबसे पहले अक्षर ने रोहित भाई को होल्ड कर दिया और फिर मैदान में आए सूर्या दादा और आते ही मैदान में उन्हें दिल्ली वालों ने धर लिया। उसके बाद अक्षर ने ईशान को भी 42 रनों पर कॉटन बोल कर दिया और फिर खलील ने तिलक को सस्ते में कैच आउट करवा दिया। और फिर जब हार्दिक पांड्या की 39 रनों की एक छोर संभाली हुई पारी समाप्त हुई, तब बेचारी दिल्ली को लगा कि मुंबई को रोक लेगी 200 के नीचे, मगर पीछे से टीम डेविड और रोमारियो ने आके चाटे टेक दिए। इसी तरह से टीम डेविड के ताबड़तोड़ 45 रन और आखिरी ओवर में रोमारियो शेफर्ड की नौरिया को 32 रनों की कमर तोड़ पिटाई की मदद से मुंबई के बन गए 234 रन। अब दिल्ली बैटिंग करने उतरी तो रोमारियो ने वार्नर को मात्र 10 रनों पर ही चलता कर दिया। उसके बाद शॉन ने थोड़े बहुत चौके तो लगाए, मगर टारगेट के हिसाब से दिल्ली वालों को थोड़ी सी धीमी शुरुआत मिली। लेकिन फिर पृथ्वी शॉ ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ ली और पोरेल के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी करी, मगर उस साझेदारी को बुमराह ने आकर तोड़ दिया। उसके बाद स्टब्स ने आकर ताबड़तोड़ पारी खेलनी शुरू कर दी, मगर बुमराह भाई ने पोरेल को भी बाहर भेज दिया। उसके बाद पंत भी हवाई फायर करने की वजह से पांड्या को कैच दे बैठे। अब स्टब्स ने आखिरी तक चौके छक्के लगाकर मुंबई से थोड़ी सी लड़ाई तो करी, मगर सामने से कोई टिकने को राजी नहीं था और बेचारे स्टब्स आखिरी ओवर में स्ट्राइक का इंतजार ही करता रह गया। लेकिन कोटजन एक के बाद एक 3 विकेट चटकाई और बेचारे स्टब को स्ट्राइक ही नहीं मिली और मुंबई ने मैच जीत लिया पूरे 29 रनों से।